हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं से स्टार्ट। अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए और मम्मी भी चली गई है घास के लिए, लेकिन मम्मी ना दूर गई है तो मम्मी ने बोला तू मत आ, तू यहीं से ले आना किसी खेत से। तो मैं जा रही हूँ अभी घास लेने, और अभी तो रास्ते में ही हूँ, अभी अभी निकली हूँ, क्योंकि यहाँ उठना लेट होता है ना मेरा, 8 बजे तो मैं उठती हूँ, तो इसलिए अभी बाल वाल भी नहीं बनाया। मैंने कहा पहले घास ले आती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी बाल वाल भी। तो इसलिए अभी चलती हूँ घास के लिए। फिर रास्ते में पड़ रहा है हमारे गांव का पंदेर मेरा, तो वैसे आपने देख रखा है हमारे गाँव का पंदेर, लेकिन आज दूर से दिखाती हूँ। तो चलो पंदेर है ना, वो मेरी शादी से कुछ टाइम पहले ही बना था, 2-3 महीने। मतलब जो ये लैटरिन बाथरूम है ना पंदेर को, ये मेरी शादी में यूज़ हुए थे पहली बार, तो उसके बाद तो अब लोग कर ही रहे होंगे यूज़, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरी शादी में पहली बार यूज़ हुए थे। और हमारे लिए सही भी था, क्योंकि हमारा घर अकेले में था तो कहीं सुविधा थी नहीं, मतलब ऐसे लैटरिन बाथरूम की ना, और मेहमान भी बहुत हो जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ सही था। फिर यहीं आए थे नहाने धोने। उस टाइम तो ठंडियों का टाइम है, पर यहाँ पे एक चूल्हा लगा रखा था, उसमें वो नहीं होता कंटेनर, वो रख रखा था पानी गर्म करने के लिए, तो जो आ रहा था वो अपने लिए पानी गर्म कर रहा था, नहा रहा था, धो रहा था बस। यहाँ पे हैं बहुत सारे अखरोट के पेड़, लेकिन कोई भी नीचे नहीं आ रखा। मैंने कहा कोई नीचे आ रखा होगा तो खाऊँगी, लेकिन टहनियाँ नीचे है लेकिन अखरोट नहीं है। जो भी होंगे मतलब वो खा रखे हैं लोगों ने, तो है ही नहीं कोई अखरोट। मुझे बहुत पसंद है ना अखरोट, इसलिए मेरे को ढूंढती रहती हूँ कहाँ पे मिल जाए कोई अखरोट, तो मिलते तो है नहीं, लेकिन ऐसा रहता है कि मिल जाए। यहाँ हमारा एक भी पेड़ नहीं है ना अखरोट का, वहाँ तो ससुराल में तो है, बोल तो रहते हैं अब पता नहीं बंदर वंदर नहीं खाएंगे तो अखरोट वहीं जाके खाऊंगी। वैसे तो खा लेते हैं बंदर वंदर, आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसलिए। मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और अब काटती हूँ थोड़ा सा घास और फिर चलती हूँ घर। तब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। काट लिया है मैंने घास, एरी मेरी पंची, और अब चलती हूँ घर को। और मम्मी पता नहीं किसके साथ गई है, अभी तक नहीं आई, तो घर जाके खाना भी बनाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं घर को। तो मैं पहुँच चुकी हूँ छन्नी में और मैंने घास की पंची भी रख दी है। अब थोड़ा गोरों को देती हूँ घास, उसके बाद चलती हूँ घर पर। चुके हैं शाम के 6 और अभी घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ ये हो रहा है। छी, कहीं भी जाने का वो नहीं है आजकल ना, मन नहीं कर रहा है मेरा तो कहीं भी जाने का। चलो देखती हूँ गांव में चलती हूँ, पहले गायों को घास देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ गांव में, देखती हूँ कहाँ जाना होता है, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और इसको देखो, कुत्ते दांत मार रहा। हुआ नहीं तो मैं दुकान ही आ गई, और ये दोनों अभी तक नहीं आई है, ऊपर खड़ी हो रखी है, लेकिन अभी तक इनका आने का साहस नहीं हो रखा है। ये यहाँ पे ये खड़ी हो रखी है और एक पता नहीं कहाँ है, दोनों का आने का मन नहीं है अभी भी। मैंने कहा चलो, मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि हम चले गए हैं तू आ जा, और खुद घर में ही बैठे हैं अभी तक,
तो यार कुछ नहीं होता ना शाम को, आजकल वैसे भी काम वाम कुछ है नहीं, तो ऐसे ही टहलते टहलते रोड तक, दुकान तक, दुकान से कुरकुरे खाते खाते घर तक, बस यही होती है हमारी लाइफ। अब ससुराल में जाके, वैसे भी अब तो काम का टाइम आने वाला है, असू जाने वाला है ना, तो कमर कस के काम होता है असूज में, तो हर किसी को पता ही होगा, जिसने करा होगा, जिसने नहीं करा होगा तो वो तो उसको क्या ही पता होगा कि क्या होता है ना। हम अपने गांव के रोले में हैं, जहाँ की भर भर के पानी नहीं है, जहाँ की भर भर के पानी नहीं आ रहा इस बार, क्योंकि इस बार इतनी सारी बारिश तो हुई नहीं, तो थोड़ा सा पानी तो है यहाँ, इतना सा ही है जितना भी है, और इसमें हम नाच रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की दुकान के इधर, और यहां से सीधा रोड गई है कसाणी के लिए, तो हम चलते हैं कसाणी। और कसाणी इसका कुछ काम है, मेरा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही जाना है घूमते घूमते, तो मैंने कहा चलो घूमना भी हो जाएगा और इसके साथ का भी हो जाएगा, कोई नहीं तो ये मर जाती कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा करके, तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो जब मैं घर से निकली थी ना तो धूप आ रखी थी, देखो उधर भी है अभी तक धूप, और जैसे इधर को आई ना तो ऐसी बारिश वाला मौसम हो गया, आप कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि लग रहा है हल्का फुल्का कि बारिश आ सकती है, बारिश आ जाएगी तो भीग जाऊंगी, वैसे मेरे को अच्छा लगता है बारिश में भीगना, लेकिन लेकिन फोन मेन चीज़ भाई, ये नहीं भीगनी चाहिए ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम जा रहे हैं कसानी से घर, और फिर से धूप लग गई, क्योंकि पहाड़ के मौसम का कोई भरोसा नहीं होता कि कब धूप आ जाए, कब बारिश आ जाए, कब बादल आ जाए, कब कोहरा लग जाए, कोई भरोसा नहीं है, उधर को कोहरा लगा है, इधर को धूप आ रखी है। तो चलते हैं अभी घर, जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ नहीं, तो कल आना पड़ेगा फिर से, तो ऐसे ही आ जाएंगे घूमते घूमते, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो अभी चलते हैं घर, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो हम बैठ रखे हैं आधे रास्ते में, और या तो उस धार में आते थे नेट चलाने जब नेट नहीं चलता था, या तो यहाँ पे आते थे रोड पे, यहाँ पे बैठते थे मस्त करके और नेट चलाते थे फिर। सो अभी मैं आ रखी हूँ बैल चराने, ये रहे मेरे बैल, और मैं ऐसे ही घूम रही हूँ रोड रोड, तो इधर ला रखी हूँ आज अपने गोर रोड में। और ये ना अपने आपस में इतनी लड़ाई करते हैं ना कि कुछ पूछो मत अपने आप। अभी हम इनको नए ला रखे हैं ना, अभी मतलब कुछ ही दिन हुए हैं, हफ्ते दो हफ्ते हुए हैं इनको लाए हुए, तो अभी इनको रास्तों का पता नहीं है ना कि कहाँ जाना है, कहाँ चरने जाना है, कहाँ से आना है, तो इसलिए इनके साथ रहना पड़ता है दो दो आदमियों को। और मेरी मम्मी भी है उधर, तो मेरी मम्मी अब घास काट रही है, क्योंकि थोड़ा सा चरने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद मम्मी घास काटने लग जाती है और मैं इनके साथ रहती हूँ। सो यहाँ पर एक छोटी सी बछड़ी भी है हमारी, ये वाली, तो ये ना बैल उसको मार रहे हैं, क्योंकि अभी अनजान है ना वो बैलों से, और बैल भी उससे अनजान है, इसलिए मार रहे हैं उसको, तो इसलिए अकेले में भेज रखा है उसको, आगे नहीं आने दे रही हूँ, ये तो भाग जा रहे हैं तीनों के तीनों, तो इसलिए यहीं पे चरा रही हूँ उसको। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10, और आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगता है, फिर वीडियो बनाने का मन भी करता है यार ना, फिर डेली ब्लॉग बनाने का मन करता है। अब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे फिर मन भी नहीं करता, तो इसलिए सपोर्ट बनाए रखें। तो करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।